क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, 29 में कह रहा है, अ कार सी मास एम इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन ब्लॉक ए ऑफ मास कैपिटल एम। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम ले लेते हैं इसका। देखना ध्यान से, अ कार सी ऑफ मास स्मॉल एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ बोट ए ऑफ मास कैपिटल एम टाइड टू द आइडेंटिकल ब्लॉक। ये दोनों टाइड हैं, इन इन दोनों बोर्ड्स के बीच में ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। बी ऑफ सेम मास थ्रू अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू बोट ए इन टाइम टी नॉट। एट टाइम टी नॉट द कार अप्लाइज ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट रिलेटिव टू बोट इन निग्लिजिबल टाइम। निग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड वॉटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। जस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब कार एक्सीलरेट हो रही होगी, ये वाली कार जब एक्सीलरेट होगी, अच्छा क्वेश्चन है, तो एक्सीलरेट होने का मतलब है कि इस कार के ऊपर एफ एस आगे की तरफ लगेगा और इस बोट के ऊपर एफ एस पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब जब इस बोट पे एफ एस पीछे की तरफ लगेगा तो ये कार आगे की तरफ बढ़ेगी लेकिन ये बोट पीछे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, और जब ये बोट पीछे बढ़ेगी तो ये वाली बोट भी पीछे बढ़ेगी। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब इसका वेलोसिटी वी नॉट हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी वी नॉट हो जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी इन दोनों की वेलोसिटी वी हो जा रही है उस मूमेंट पे। देखो ध्यान से, ठीक है ना, ए और बी की वेलोसिटी वी हो जा रही है, तो इस प्रोसेस में हम इन मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनिशियली कार रेस्ट पे है, बाद में स्मॉल एम मास की कार की वेलोसिटी वी नॉट है, लेकिन हम बोट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो एम वी नॉट माइनस वी आएगा। इसके अलावा कैपिटल एम की वेलोसिटी पीछे की तरफ है माइनस वी, और एक और कैपिटल एम है, इसकी वेलोसिटी भी माइनस वी होगी क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहां से अगर आप वी की वैल्यू निकालोगे तो ये वी आएगी एम वी नॉट अपॉन स्मॉल एम प्लस टू कैपिटल एम, इक्वेशन वन। तो अब इस वेलोसिटी से ये दोनों बोट पीछे की तरफ जा रही है, कार आगे जा रही है। अब कह रहा है कि कार ने अब ब्रेक लगाया है। अब देखो, कार जब ब्रेक लगाएगी तो एक बात समझना, कार जब ब्रेक लगाएगी तो कार के ऊपर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा और कार की वेलोसिटी कम होने लगेगी, लेकिन जो बोट ए है उसके ऊपर फ्रिक्शन इस बार आगे की तरफ लगेगा। और कह रहा है कि निग्लिजिबल टाइम में ये जो कार है ये रेस्ट पे आ गई, ठीक, लेकिन बोट ए के पास जो वेलोसिटी गेन हो गई थी वी, अब ये वेलोसिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होगी, लेकिन इस बार देखो क्या होगा ना, इस बार जब बोट ए की वेलोसिटी रिड्यूस होने लगेगी तो बोट बी की वेलोसिटी रिड्यूस नहीं होगी और ये जो बीच का स्ट्रिंग है वो लूज हो जाएगा। और बीच का स्ट्रिंग लूज होने से क्या होगा कि बोट बी एक तरह से सिस्टम से चली गई है। तो अब जब हम कंजर्वेशन लगाएंगे तो पी इनिशियल और पी फाइनल में सिर्फ ए और बी ही लेंगे, मतलब कार और ए लेंगे, बी को हम हटा देंगे। तो वैसे बताओ कि कार ए का मोमेंटम इनिशियली क्या लिखेंगे, तो कार ए का मोमेंटम हम इनिशियली लिखेंगे एम इंटू माइनस वी, और कार बी का मोमेंटम इनिशियली होगा एम इंटू वी नॉट माइनस वी, और बाद में कार आ गई रेस्ट पे, तो मान लेते हैं कि वो जो बोट प्लस कार है, या ऐसे बोल सकते हैं बोट और कार दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों की वेलोसिटी माइनस वी वन हो गई। तो यहां से देखो क्या निकल के आता है, यहां से एम प्लस एम इंटू वी वन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो ये आएगा एम प्लस एम इंटू वी माइनस एम वी नॉट। तो यहां से वी वन की वैल्यू आएगी वी माइनस एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। इसको जरा सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, तो वी वन की वैल्यू हो जाएगी एम वी नॉट अपॉन एम प्लस टू एम माइनस एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। तो इसमें से एम वी नॉट कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू एम प्लस टू टाइम्स कैपिटल एम, और ऊपर बनेगा एम प्लस एम में ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक तरह से माइनस कैपिटल एम और बचेगा ऊपर। तो देखो इस तरह का आंसर कौन सा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह का आंसर हमारा
ए पार्ट से ये मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, ए पार्ट से ये मैच कर रहा है आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब शुरू में क्या था इसमें, क्वेश्चन में बेसिक बात क्या है, शुरू में जब कार एक्सीलरेट हो रही है तो ए बी और कार तीनों हमें सिस्टम में लेने हैं, ठीक है ना, ये तीनों ही सिस्टम में लेने हैं, ए बी और कार तीनों। लेकिन जब हमने कार में ब्रेक लगाया तो ए जो है इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, तो स्ट्रिंग जो है वो लूज होने लगेगी, स्ट्रिंग लूज होगी, तो सिर्फ कार और ए का ही हम लोग कंजर्वेशन लगाएंगे।